अलवर शहर में पिछले कई दिनों से महिलाओं के साथ हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। शातिर लोग चोरी की बाइकों पर हेलमेट लगाकर घटना को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में जानकारी में ये भी आया था कि कुछ हरियाणा की कोई सक्रिय गैंग इसमें शामिल है, जो वारदात को अंजाम देकर वापस अपने क्षेत्र में चले जाते थे। ऐसे में इन शातिरों को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। आखिर पुलिस कप्तान ने इसके लिए विशेष टीम का गठन कर चार शातिरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी राहुल प्रकाश ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शहर में हो रही इस तरह की घटनाओं में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए तीन थाना अधिकारियों, जिनमें कोतवाली से बालाराम, सदर थाना से राजवीर सिंह और एमआई के धर्मवीर से चोपानकी थाना अधिकारी सुनील जांगिड़ को विशेष जिम्मेदारी दी गई और इनके सहयोग के लिए स्पेशल टीमों को भी निर्देशित किया गया। इसके उपरांत विशेष अभियान चलाकर शहर में आने जाने वाले संदिग्ध बाइक सवारों पर नजर रखी गई और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए, साथ ही मुखबिरों को भी सावचेत किया गया। आखिर पुलिस को जल्द ही अपराधियों के सुराग लगने लगे, जिसमें छानबीन करने पर सामने आया कि इन वारदातों से संबंध रखने वाले अपराधी हरियाणा राज्य के नू मेवात जिले के निवासी हैं, जिसमें सुनील जो यादव कॉलोनी बादशाहपुर गुड़गांव का रहने वाला है, वही दूसरा आरोपी शाहरुख पुत्र आस मोहम्मद तावड़ू का रहने वाला है, सलीम पुत्र सदीक जो उतावड़ थाना बहिन हरियाणा का निवासी है और एक डॉक्टर आबिद नाम का शातिर भी इसमें शामिल है। इन शातिर अपराधियों से सख्ती से पूछताछ करने पर कई मामलों का खुलासा हुआ, जिसमें अलवर, भिवाड़ी, पलवल में चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग के कई मामले खुले। इनमें शातिर शाहरुख तो 2000 रुपए का इनामी बदमाश है। लगातार अनुसंधान और मेहनत करने से ये लगभग स्पष्ट हो गया था कि ये वारदात करने वाले अलवर शहर या अलवर जिले के अपराधी नहीं है, बल्कि आसपास के किसी जिले अथवा राज्य के अपराधी हैं। फिर हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण मुखबिरों से जो क्लू मिला, जो सूत्र मिले, उसके आधार पर हमने अपराधियों की पहचान करनी शुरू कर दी और आज हम लोगों ने 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें सलीम और डॉक्टर आबिद, ये एक तरीके से इसके सरगना के तौर पे काम करते हैं और माल जो ये लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल स्नैचिंग भी करते हैं ये लोग, उसका डिस्पोजल भी ये दोनों ही करते हैं। इसके साथ एक सलीम और शाहरुख, ये दोनों भी पुराने अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये लोग, लगातार बार बार अपराध करते हैं और मुख्य तौर पे गुड़गांव और तावड़ू इलाके में रहते हैं। इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी ये भी रहती है कि वारदात करने के बाद तुरंत कच्चे रास्तों से होते हुए अधिक से अधिक पुलिस के थानों, चौकियों को अवॉइड करते हुए या जितनी जल्दी हो सके पुलिस के अलर्ट होने के पहले वापस हरियाणा में घुस जाया जाए। अपनी पत्नी के और अपने खुद के मोबाइल भी ये लोग 10 से 15 दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि इनका कोई क्लू नहीं मिल पाए। जब अपराध करने आते हैं तब भी ये लोग मोबाइल इत्यादि लेकर के नहीं आते हैं या बंद करके उसको लेकर के आते हैं। आज जो इन चारों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 3 के ऊपर इनाम घोषित था, जिनमें से 2 के ऊपर 3,000 का और 1 के ऊपर 2,000 का इनाम घोषित था। बरामदगी में इनके पास से अवैध हथियार कट्टा 2 बरामद हुआ है, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो वारदात में इन्होंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की है वो भी बरामद हुई है। अब इन लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे। अभी तक की पूछताछ में कुल 28 मुकदमों का इनसे खुलासा हो गया है, जिनमें कि हमारे शहर की सारी वारदातें जो थी चेन स्नैचिंग की, भिवाड़ी की वारदातें, इसके साथ में पलवल की तरफ भी इन लोगों ने कई वारदातें कर रखी, उनका भी खुलासा हुआ है। अभी इनसे पूछताछ जारी रहेगी और उम्मीद है कि हम अन्य कुछ वारदातों का भी खुलासा करने में सफल होंगे, जिनमें से 2 के ऊपर 3,000 का और 1 के ऊपर 2,000 का इनाम घोषित था। बरामदगी में इनके पास से अवैध हथियार कट्टा 2 बरामद हुआ है, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो वारदात में इन्होंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की है वो भी बरामद हुई है। अब इन लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे। अभी तक की पूछताछ में कुल 28 मुकदमों का इनसे खुलासा हो गया है, जिनमें कि हमारे शहर की सारी वारदातें जो थी चेन स्नैचिंग की, भिवाड़ी की वारदातें, इसके साथ में पलवल की तरफ भी इन लोगों ने कई वारदातें कर रखी, उनका भी खुलासा हुआ है। अभी इनसे पूछताछ जारी रहेगी और उम्मीद है कि हम अन्य कुछ वारदातों का भी खुलासा करने में सफल होंगे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर चैन की सांस ली है। इस कार्यवाही को अंजाम देने में थाना अधिकारियों के अलावा स्पेशल टीम से अलवर से अमर सिंह, मूलचंद, कृष्ण कुमार, हरिओम, कानाराम और यादराम सहित करतार सिंह, समुन्द्र सिंह और लोकेश शामिल रहे।